हेलो स्टूडेंट्स, एक बार बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में मैं आपकी टीचर शारदा थानवी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। एक और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो 2024 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आप लोगों की साइंस फैकल्टी में क्या क्या चेंज किया गया है। तो बच्चों देखिए, जो आपके पास में मैथ सब्जेक्ट है इसके लिए, चाहे आपके पास में मैथ आर्ट्स में हो चाहे साइंस में हो, जो आपके पास में मैथ सब्जेक्ट है उसके लिए देखिए आपके पास में जो जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ये देखिए आपके पास में अध्याय एक संबंध एवं फलन। मैं आपको सारा का सारा पढ़ के नहीं बताऊँगी, लेकिन अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन में आपके देखिए कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। 13 से 14 नंबर पृष्ठ पर जो टॉपिक हटाए गए आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं और देख सकते हैं, ये टॉपिक आपके पास में यहाँ से हटा दिया गया है। 14 से 17 उदाहरण 17 से लेकर उदाहरण 22 तक और उसके बाद की दी गई टिप्पणी को भी हटाया गया। 17 से लेकर 29 तक में पृष्ठ 17 में उदाहरण, 24 से लेकर के पृष्ठ 29 में प्रश्न 13 तक की विषय सामग्री को हटा दिया गया। 31 नंबर पृष्ठ पे से उदाहरण 45 को हटाया गया। 32 नंबर पृष्ठ पे से उदाहरण 49 को हटाया गया। 33 और 35 नंबर में से अध्याय एक पर विविध प्रश्नावली में से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 6, 7, प्रश्न 34 में से प्रश्न संख्या 9, 11, 12, 13, 14 और पृष्ठ 35 में से प्रश्न संख्या 18 और 19 को हटाया गया है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है किताब को खोल करके, उसके अंदर से कौन कौन से पृष्ठ हैं, कौन कौन से पृष्ठों पर कहाँ से कहाँ तक हटाया गया है, क्या क्या आपको अध्ययन नहीं करना है, ये सब आप देख लीजिए मेरे इस वीडियो में। 36 नंबर आपके पास में जो पृष्ठ है इसमें सारांश के अंतर्गत 6वें से लेकर 8वें बिंदु तक फलन एक की तथा आच्छादक है को हटाया गया है। पृष्ठ 36 में ही सारांश के अंतर्गत 10वें बिंदु से लेकर आखिरी बिंदु तक ए में एक द्विआधारी ABC सिग्मा एक्स को हटा दिया गया है। अध्याय 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसमें बच्चों देखिए 48 नंबर पेज पर बिंदु 2.3 के तहत पहला अनुच्छेद में क्षेत्र से परे है तक को हटा दिया गया है। अब ये देखिए 48 नंबर पेज पर ये सब कुछ हटाया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर से। 49 से 51 नंबर पेज पर ये भी हटा दिया गया है आपके पास में। 51 से 53 के पेज में ये भी आपके पास में अध्याय पृष्ठ 51 52 में उदाहरण 4 और पृष्ठ 52 53 में उदाहरण 5 के विकल्प तय वाले हिस्से को हटाया गया। 53 वाला उदाहरण 7 और 8 को हटाया गया है। 56, 58 नंबर पेज, 59, 60 नंबर पेज पर देखिए। अब अभी आपके पास में जो तीसरा नंबर अध्याय है उसके अंदर देखिए 98, 99 नंबर पेज पर, 100 और 101, 106 नंबर पेज पर ये चीज़ें हटा दी गई हैं आपके पास में। 106 और 107 में विविध उदाहरण के अंतर्गत उदाहरण 26 को हटाया गया। 108 से 109 के बीच में प्रश्नावली अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली के अंतर्गत 1, 2, 3 और 12 को हटा दिया गया। 111 नंबर पेज पर से हटाया गया। 119 और 131 नंबर पेज पर से, 149, 151 और 152 इन पे से हटाया गया। काफ़ी कुछ ध्यान पे रख करके आप अपना निशान लगाते रहेंगे अपनी बुक में से कि ये चीज़ें आपके पास में हटा दी गई हैं। 156, 157 पर, 188, 181 पर, 183 नंबर पेज पर ये हटा दिया गया है। 184 नंबर पेज पर उदाहरण 27 को हटाया गया है और 5.4 को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है। उसके बाद में देखिए आपके पास में 200 से 202, 202 से 203 ये सारे प्रश्नों को हटाया गया है। 208 पर विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 19 को हटाया गया है। 209 पर देखिए कुछ अप्रमेय और मध्यमान प्रमेय को हटा दिया गया है। 223 से 333 पर सन्निकट और स्पर्श रेखाओं के अभिलंब और प्रश्नावलियों सहित उदाहरणों को हटाया गया। 253 से 255 पर उदाहरण 45 और 46 को हटाया गया। अध्याय 6 में देखिए आपके पास में ये चीज़ें हट रही हैं। 259 से 261 पर, 262 से 263 तक, 286 से 302 तक इन सबको हटा दिया गया है। 307, 308 अनिश्चित समाकलन का, ठीक है, समाकलन अध्याय 7 में है, इनको भी हटाया गया है। 314, 315 नंबर पेज, फिर 347 से 351 नंबर पेज, फिर 370 से 371 नंबर पेज पर, फिर 372 नंबर पेज, 380 से 382, 383 से 389, फिर अध्याय 8 में समाकलनों का अनुप्रयोग, इनमें से आपके पास में
हटाए गए हैं 389, 391, 393। ये चीज़ें आपके पास में हटाई गई हैं। अध्याय 9 में देखिए आकलन समीकरण, अवकल समीकरण में हटाए गए हैं बच्चों, देखिए 402, 408, 432 नंबर पेज पर उदाहरण 25 को हटाया गया, 436 से 437 पर अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली के तहत प्रश्न 3, 4, 3, 5 और 15 को हटाया गया, फिर 438 में सारांश के तहत छठवें एवं सातवें दो पर इसको हटाया गया, 479 पर इसको 11.2 की एक की रेखा की दिक दो साइन को संबंध को हटा दिया गया, 484, 485 पेज पर से हटाया गया, 492 पेज पर से हटाया गया, 493 और 102 पर से हटाया गया, 512 पर और 514 पर हटाए गए हैं कुछ सवालों को, 515, 516, 518 नंबर पेज पर से हटाए गए हैं, 12 नंबर जो है आपके पास में प्रश्नावली रैखिक प्रोग्रामन, इसमें से आपके पास में कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, प्रायिकता 13 नंबर जो प्रश्नावली है उसमें से 34 और 35 उदाहरण को हटाया गया है, विविध प्रश्नावली के तहत 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां, 10वां और 11वें क्वेश्चन को हटाया गया, इसमें आपके पास में 603 में ऐतिहासिक नोट के ऊपर एक यादृच्छ चर है इसको भी हटा दिया गया है, उत्तरमाला अध्यायों से हटाए गए पत्रों के उत्तर को भी हटा दिया गया है, पूर्व पाठ्य सामग्री भी हटाई गई है। अब आप देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का कभी कमेंट आ रखा था कि मैडम बायोलॉजी वाला बता दीजिए, तो जीवों में जनन संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है बच्चों आप लोगों के बायोलॉजी में, अध्याय 9 में खाद्य सामग्री में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति ये भी आपके पास में हटा दिया गया है, तो अध्याय 1 और अध्याय 9 पूरी तरह हटाया गया है, अध्याय 13 में आप जीव और समष्टियां इसके अंदर देखिए कुछ एक कुछ एक पन्नों पर से कुछ एक पॉइंट ही हटाए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए आप पूरा का पूरा जीव और इसका पर्यावरण 13.1, 13.1 और एक प्रमुख अजैव कारक, 13.1.2 अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं, 13.13 अनुकूलन, सारांश हटा दिया गया है, प्रश्न संख्या इतनी ये सब हटा दिए गए आपके पास में, अध्याय 14 में देखिए पारितंत्र में से भी कुछ एक टॉपिक्स हटा दिए गए हैं आपके पास में, और अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे जो है आपके पास में किताब में 296 से 314 नंबर पेज पर ये पूरा पूरा चैप्टर ही आपके पास में हटा दिया गया है, यानी कि अब देखिए आप लोग केमिस्ट्री की बुक में से आपके पास में क्या क्या हटा है, तो एक एक जो है आपके पास में ठोस अवस्था ये पूरा ही अध्याय हट गया है, पृष्ठ रसायन 5वां अध्याय है ये संपूर्ण अध्याय हटा है, 6ठा है जो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम ये भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, 117 पी ब्लॉक के तत्व ये भी संपूर्ण हटा दिया गया है, ये पन्ने भी ध्यान रखिएगा आपके पास में, पृष्ठ संख्या भी आगे दे रखी है, उसके बाद में जो आपके पास में हटाए गए टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। रसायन भाग 2 में देखिए 115 बहुलक वाला जो आपके पास में चैप्टर है संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, और दैनिक जीवन में रसायन ये भी आपके पास में 462 से 478 नंबर पेज पर ये भी संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है। इसी प्रकार से आप फिजिक्स में देखिए अध्याय 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इसके अंदर भी काफ़ी कुछ हटा दिया गया है आपके पास में, देखिए वैद्युत आवेश ये टॉपिक्स देख लीजिए आप अच्छी तरीके से 2 से 7 नंबर पेज पर, 47 से 50 नंबर पेज पर। अध्याय 2 में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इसके अंदर भी 81 नंबर पेज से कुछ टॉपिक हटाया गया है, और 87 से 92 नंबर पेज पर भी कुछ हटाया गया है। अध्याय 3 में विद्युत धारा में 102 से 103 नंबर पेज पर आपके पास में काफ़ी कुछ हटा दिया गया है, 107 से 109 पर भी हटा दिया गया है, 112 से 113 में उदाहरण 3.5 हटाया गया है, 120 से 124 में 3.15 मीटर सेतु हटाया गया है, 3.16 पोटेंशियल मीटर हटाया गया है विभव मापी, और 127 से 131 पे अभ्यास ये हटा दिए गए हैं। अब देखिए आपके पास में अध्याय 4 में गतिमान आवेश और चुंबकत्व सारणी 4.8 हटा दी गई है, 140 से 142 पर वेग वर्णनकर्ता साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, टेराटॉइड ये हटा दिया गया है, 162 से 163 नंबर पेज पर से ये भी चीज़ें हटा दी गई हैं, 176 से 179 पर जो चीज़ें हैं आपके पास में ये भी देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए और उसके साथ में हटाते जाइए अपनी बुक में से। चुंबकत्व एवं द्रव्य इसमें से भी कुछ हटा दिया गया है आपके पास में, 180, 185, 189 पेज पर, 191, 192, 196 पेज पर देख लीजिए, 200 से 203 नंबर पेज पर, फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे से ये दो ही दो तीन
जो है आपके पास में 6.7 ऊर्जा दृष्टि, 6.8 भंवर धाराएं, अभ्यास में 6.6, 6.10 और 6.17 हटा दिए गए। अध्याय 7 में प्रत्यावर्ती धारा में से कुछ एक टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से ध्यान करके, ये चीज़ें आपके पास में हटा दी गई हैं। अब आगे चलिए, आपके पास में चलते हैं 8 नंबर चैप्टर में। ये देखिए यहाँ पर से भी आपके पास में उदाहरण 8.1, ये 8.3 केवल इधर की ईथर की प्राकल्पना और इसको हटा दिया गया। उदाहरण 8.4 और 8.5 हटा दिया गया है। यहाँ पर भौतिकी भाग 2 में भी देखिए कुछ एक चीज़ें हटा दी गई हैं, मरीचिका, हीरा, इंद्रधनुष, प्रकाश का प्रकीर्णन, डॉपलर प्रभाव, ये हटा दिया गया आपके पास में। तरंग प्रकाशिकी को हटाया गया है, पूरा चैप्टर को नहीं हटाया गया, कुछ एक टॉपिक्स हटाए गए हैं आपके पास में से। और ये देखिए 11वें अध्याय में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसमें से भी डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग हटा दिया गया है। द्रव्य की तरंग प्रवृत्ति की दे ब्रोकली तरंग दैर्ध्य की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को हटा दिया गया है। अध्याय 12 में परमाणु में भी से भी स्पेक्ट्रल श्रेणी को हटाया गया, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल को हटाया गया और उसकी व्युत्पत्ति को हटा दिया गया। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया है। रेडियो एक्टिव क्षमता अल्फा बाय बीटा 6 और नाभिकीय रिएक्टर, इनको देख लीजिए आप, इनको जो जो हटाए गए टॉपिक्स हैं यही बता रखे हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास में हो गया है पूरा पूरा साइंस का। तो कैसा लगा है वीडियो, अगर दोस्तों आप लोगों की हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।